क्वेश्चन देखो डबल एक बार, क्या आपने क्वेश्चन में केन ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबीसीडी नाम का क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। तो ले लेते हैं साइड ए बी पैरेलल टू सी डी, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम का मतलब सबको पता है क्या होता है, अपोजिट साइड, आपके एक साइड एक दूसरे को क्या होती है पैरेलल। तो ये वाली साइड इसको पैरेलल दी भी है ए बी सी डी। आगे में क्या बोला गया है, डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टेड ईच अदर एट पॉइंट पी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। आगे में क्या बोला है, दे प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी ऊपर वाला ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, पी डी, सी पी डी है ना, ये सीपीडी नहीं होना चाहिए। अगर मैं ए बी पी ले रहा हूँ क्या होना चाहिए, सी डी पी होना चाहिए, सी डी पी। इसी वालों क्या आपको करना है, ए बी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। वैसे है बोर्ड का आधार प्रूफ, देखिए इस प्रूफ को देखिए क्या बोला यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीपी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीपी, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या है, एबी का स्क्वायर अपॉन सीडी का स्क्वायर, मतलब दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इक्वल है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। बट ये होता कब है, ये होता कब है, ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन कब होती है, जब दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तभी उनके करस्पॉन्ड, तभी उनके एरिया का रेशियो ये उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, बराबर है ना। तो मुझे अगर ये प्रूव करना है तो पहले ये दोनों ट्रायंगल क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर। अब सिमिलर दिखाने के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन से, ये देखिए कौन से ऑप्शन है, क्या आपको आपको कहीं पे भी साइड की बने क्या, नहीं क्यों, तो फिर एंगल के बारे में सोच सकता हूँ। तो एंगल क्या आपको दो कॉर्नर दिख रहे क्या, तीन होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए। तो देख पा रहे ये एंगल इससे कॉन्वर्ट है, क्यू वर्टिकल एंगल, ये वाला एंगल इससे कॉन्वर्ट है, अल्टरनेट एंगल बिकॉज ये एक दूसरे को पैरेलल है, ये एंगल इससे कॉन्वर्ट है बिकॉज ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा अल्टरनेट एंगल, समझा क्या, कर सकते हो लोग, तो चलो लेते हैं ठीक है। ट्रेपेजियम ए बी सी डी ओके, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी पैरेलल टू साइड क्या है, सी डी है गिवन। अब एक ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, एक तो इसको लो या फिर इसको लो, ओके ए सी बी ट्रांसवर्सल, देखिए बेटा अगर एसी तुम्हारा ट्रांसवर्सल इसका मतलब ये वाला एंगल इसके साथ कॉन्वर्ट होना चाहिए, ओके ये वाला एंगल इसके साथ कॉन्वर्ट होना चाहिए, तो इस एंगल को इसके साथ दिखाने वाला क्या हो जाएगा, बी ए पी ओके, एंगल बी ए पी ये वाला एंगल इसके साथ कॉन्वर्ट दिखाना है, तो बी ए पी इज कॉन्वर्ट टू एंगल बुलो इसके साथ कॉन्वर्ट है, मतलब बी सी पी, देखिए ये वाला एंगल इसके साथ दिखाना है, ये वाला एंगल इसके साथ दिखाना है, कितना देना बी ए पी लिया याद करूंगा, ये वाला एंगल ना इसके साथ दिखा कितना ना एंगल बी सी पी जाएगा एंगल, क्लियर है, हो गया। तो चलते हैं इन दोनों ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल कौन था, ए बी पी लिया ना तो क्या आएगा, ए बी पी लिया तो क्या होगा, सी डी पी, सी डी पी ओके, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इज कॉन्वर्ट टू एंगल डी सी पी फ्रॉम इक्वेशन नंबर, बेटा हमने कौन सा एंगल पहले लिखे वो देखो ना, मैंने क्या लिखा बी ए पी इज कॉन्वर्ट टू डी सी पी, ये इक्वेशन वन में ऑलरेडी निकाल के रखे हैं वो लिख दिया एग्जैक्टली। सेकंड तो हम लोगों को पता ही है कौन सा, वर्टिकल एंगल, अब इसको पहला लिखोगे तो भी चलता है, फिर इसको तो सेकंड लिखना ही पड़ेगा, हमने इसको पहले लिख दिया बिकॉज इक्वेशन वन में ऑलरेडी निकाल के रख दिए हम लोगों ने, है ना। तो नेक्स्ट एंगल बोलो, अब वर्टिकल लेना बोलो, ए पी बी, ए पी बी इसको नोट एंगल क्या, सी पी
वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो क्या हो जाएगा, दो एंगल अगर बनाने दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी हो जाएगा। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर दोनों करस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है उनका एरिया, उधर बोलता है बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर। यहाँ पे थ्योरम लिख देंगे ओके, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करेस्पोंडिंग साइड। क्लियर है, समझा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये पता है क्वेश्चन, ऐसे सेम क्वेश्चन तीन हुए अभी तक के, बस उस क्वेश्चन में पता क्या था, हमें इनको सिमिलर दिखाना था, कुछ साइड गिवन रहती थी कुछ साइड निकालना पड़ता था, याद आ रहा क्या, ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं। और हमें ये डायग्राम हमेशा याद रखना है, अगर ट्रेपेजियम दिया है तो हमेशा याद रखिएगा कि वहां पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या होते हैं सिमिलर। अगर आपको ट्रेपेजियम दिया है तो हमेशा याद रखिए कि वहां पे दोनों ट्रायंगल हमेशा क्या रहेंगे सिमिलर, क्यों रहेंगे क्यों रहेंगे, बिकॉज ये लाइन जिसको पैरेलल होती है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है और ये क्या होते हैं, ये डायग्राम दिमाग में फिट कर लो, ट्रेपेजियम आए तो वहां पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे क्या रहेंगे सिमिलर रहेंगे ही रहेंगे, इज दैट क्लियर, चलो राइट इट डाउन।